20 जून 1958, उड़ीसा का मयूरगंज जिला, गांव बैतपोसी, संथाल आदिवासी जाति समूह में जन्म होता है द्रौपदी मुर्मू का। पिता बिरांची नारायण दत्त टुडू, जो कि पेशे से किसान थे। द्रौपदी मुर्मू के अलावा इनके दो बेटे थे। बेहद गरीबी और अभाव में इनका बचपन बीता। इनकी स्कूली पढ़ाई इनके गांव में ही हुई थी। साल 1969 से 1973 तक इनकी पढ़ाई आवासीय आदिवासी विद्यालय में हुई थी। इसके बाद स्नातक की पढ़ाई के लिए इन्होंने भुवनेश्वर के रमा देवी विमेंस कॉलेज में एडमिशन लिया। मुर्मू अपने गांव से पहली लड़की थी जो स्नातक की पढ़ाई करने के लिए भुवनेश्वर तक पहुंची, और इसी कॉलेज में द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात श्यामचरण मुर्मू से हुई। दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ी, दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। बाद में इनकी शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई। ससुराल में भी इनकी घास फूस की झोपड़ी थी। श्यामचरण मुर्मू से इनको दो बेटे और दो बेटी हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश साल 1984 को 3 साल की उम्र में ही इनकी एक बेटी की मृत्यु हो गई। मुर्मू की परेशानी यहीं समाप्त नहीं हुई। बेटी की मृत्यु के बावजूद भी इन्होंने अपनी स्थिति को अपनी मेहनत के आड़े नहीं आने दिया। राजनीति में आने से पहले मुर्मू ने एक शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। 1979 से 1983 तक सिंचाई विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में इन्होंने कार्य किया, और उसके बाद इन्होंने 1994 से लेकर 1997 तक ऑर्डिनरी असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्य किया। 1997 में ही इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था और उड़ीसा के रायरंगपुर जिले से ये नगर पंचायत की पार्षद चुनी गई। इन्होंने भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। साल 2000 में इन्होंने पहली बार उड़ीसा के रायरंगपुर सीट से चुनाव लड़ा और ये विधायक चुनी गई। इसके बाद इनको बीजद और भाजपा गठबंधन वाली सरकार में स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद ये 2009 में रायरंगपुर सीट से दोबारा विधायक बनी, लेकिन 2009 में ही द्रौपदी मुर्मू को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द झेलना पड़ा, जब इनके बेटे लक्ष्मण मुर्मू का अकस्मात निधन हो गया। अभी बेटे की मौत से द्रौपदी मुर्मू उभर भी नहीं पाई थी कि उन्हें अचानक दूसरी झकझोर कर देने वाली खबर मिली। ये घटना सन 2013 की है, जब उनके दूसरे बेटे की भी सड़क हादसे में मौत हो गई। 4 साल के अंदर दोनों जवान बेटों की मौत से वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। इस सदमे से उभरने के लिए इन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया और ये राजस्थान में स्थित माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाने लगी। यहाँ इन्होंने मेडिटेशन सीखा और ये कई कई दिनों तक ध्यान करती रहती थी। दोनों बेटों की मौत का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि साल 2014 में अगले ही साल इनके पति श्यामचरण मुर्मू का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि कोई भी शख्स इतने बड़े मुकाम तक यूं ही नहीं पहुंचता। उसने ऐसे कई पड़ावों का सामना किया होता है कि जिन्हें अगर वो पीछे मुड़कर देखे तो उसकी रूह कांप जाए। ऐसी परिस्थिति आने के बावजूद कोई भी आम शख्स ऐसे ही टूट जाए, लेकिन इन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। इसके बाद साल 2015 में ये झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनी और लगभग 6 साल तक इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला। तमाम संघर्षों से लड़ते लड़ते 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रहने के बाद आज द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई। द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगी भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगी। दोस्तों, ऐसे ही कोई द्रौपदी मुर्मू नहीं बन जाता। हर सफलता के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। आज के दौर में जहाँ आप और हम लोग छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं, तो हमें द्रौपदी मुर्मू जी से सीख लेनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करना, शायद ये वीडियो किसी ऐसे शख्स की जिंदगी बदल दे जो बुरी तरह टूट चुका हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।